हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हो वायु व्लॉग्स। तो यहाँ पे मैंने अभी रिसेंटली अपने गोप्रो के लिए मंगाया, मैंने एक वायरलेस माइक जो कि है रोड के कंपनी की तरफ से आता है, रोड वायरलेस गो। एक्चुअली मुझे एक कॉम्पैक्ट कैमरा का माइक चाहिए था, तो जो रोड की तरफ से आता है वो बहुत बल्की होता है, ऊपर आप देख सकते हो बहुत उसका जो ग्रैब अटेंशन ग्रैब करता है वो बेसिकली। तो आप अगर पब्लिक में जाओगे तो वो पब्लिक को दिख जाता है इजीली कि आप कोई एक व्लॉगर हो, तो सब लोग देखते हैं कि ये क्या कर रहा है पब्लिक के बीच में, तो सबका अटेंशन वहाँ पे जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए था। इसके लिए मैंने ये वायरलेस गो प्रेफर ज़्यादा किया। और ये अभी मुझे रिसेंटली एक ऑफ़र में मिला, बेस्ट डील मिला, ओपन बॉक्स सेल पर मैंने इसको फोटो सेंटर इंडिया से मंगाया है। तो अभी भी उसका ऑफ़र चल रहा है, तो आप जाके वो ऑफ़र अवेल कर सकते हो। अराउंड 11,000 समथिंग का मुझे पड़ा है। इसका जो MRP है वो अराउंड आप देखोगे तो वो 20,000-19,000 कुछ मिलता है, और ऑफ़र में मैक्स टू मैक्स आपको 15,000-16,000 रुपये मिल जाएगा, बट क्योंकि ये ओपन बॉक्स सेल पे था तो मुझे अराउंड 11,000 पे पड़ा। तो आप चाहिए तो अभी आप सेल चल रहा है उनके वेबसाइट पे, आप photocenterindia.com पे जाके आप विज़िट कर सकते हो और आप ये ले सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हो। वैसे तो amazon.india पे आप उसका प्राइस देखोगे तो बहुत ज़्यादा होगा, वो भी अराउंड 19,000 पे ही मिल रहा है, तो बेस्ट है आप वहाँ पे जा सकते हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो आप वहाँ पे क्या बोलते हैं, उसका एक कूपन कोड है photo V2, अब वो कूपन कोड यूज़ करके और 500 रुपीज़ का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। तो फटक से जाइए, वहाँ पर आपको ये बेस्ट डील पर मिलेगा और लिमिटेड स्टॉक है। तो जो इसका अनबॉक्सिंग वीडियो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, आप वो देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो ये है रोड की तरफ से वायरलेस गो, तो कुछ ऐसे बॉक्स में आया है, ये आप देख सकते हो बॉक्स का कंडीशन। तो इसमें आगे लेबल है, यहाँ पे रोड का कंपनी का ब्रांडिंग है, साइड में एक इमेज है, पीछे डिटेल है जो कि निकला हुआ है। तो ये जो बॉक्स में जो कंटेंट है वो रिसीवर ट्रांसमीटर है, दो फर मिलता है, दो USB टाइप सी केबल मिलता है ताकि हम दोनों को एक साथ चार्ज कर सकें, और AC केबल मिलता है जिसमें दोनों तरफ TRS पिन मिलता है जो आप डायरेक्ट अपने DSLR में लगा सकते हो और ट्रांसमीटर में लगा सकते हो, और एक पाउच मिलता है, वो हम इसको ओपन करके देख लेंगे। और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो क्या क्या डिटेल्स है, अल्ट्रा कॉम्पैक्ट वायरलेस, इसमें एक बिल्ट इन माइक्रोफोन है और डिजिटल ट्रांसमिशन 2.4 GHz। तो चलो इसको अपन ओपन करते हैं। तो इसको अपन ओपन करेंगे तो इसमें पाउच है और एक TRS to TRS केबल है, दो USB टाइप सी केबल है, और ये सिलिका जेल वगैरह कुछ आता है। ये बिल है जो फोटो सेंटर इंडिया की तरफ से आया है, आप देख सकते हो। और ये इसमें रेगुलेटरी सेफ्टी एक पहुँचे, तो ये कुछ काम का नहीं, तो इसको साइड में करते हैं। और ये दो केबल है, इसको भी हम साइड में कर लेते हैं। और ये बेसिकली केबल है जो हम इसको अभी बाद में GoPro में अटैच करके रिकॉर्डिंग करेंगे, तो बेसिकली इसको ओपन करते हैं। तो देखो कुछ ऐसे कंडीशन में मिलता है ओपन बॉक्स में, ऐसे देखो ये ऑलरेडी इसका ये स्टिकर निकला हुआ है। तो एक ये है, एक दो इसमें एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर आता है और दो विंड मफ आता है, एक ये एक दो, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो इसको हम इसको साइड में डाल के फ़िलहाल रख देते हैं और इसको भी साइड में रख देते हैं। तो जैसे कि ये देख सकते हो दो है, एक में हमें यहाँ पर डिस्प्ले मिलता है, तो
तो ये होता है रिसीवर और ये होता है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर के हम ऊपर जब देखोगे तो यहाँ पे एक माइक है, तो ये हम हमारे कॉलर में लगाते हैं। यहाँ पे एक और होल दिख रहा है, ये एक एक्सटर्नल माइक आप लगा सकते हो, लेपल माइक। तो अगर आप इसको अपने पॉकेट में कहीं पे भी छुपा सकते हो और लेपल माइक अपने कॉलर शर्ट में लगा सकते हो। ये बैटरी इंडिकेटर है, ये एक लिंक का साइन है, जब आप अपना ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों लिंक करते हो, लिंक हो जाता है तब ये ब्लिंक करता है। आगे रोड की ब्रांडिंग है, पीछे क्लिप है जैसे कि आप देख सकते हो, और नीचे ऑन ऑफ का बटन जिसमें रोड का लोगो है, और इसमें एक साइड में टाइप सी चार्जिंग मिलता है। सेम जब आप ये रिसीवर में देखोगे तब इसमें भी आगे फ्रंट साइड पे रोड का लोगो है, रोड का लोगो है, और आगे यहाँ पे देखोगे तो डिस्प्ले है। लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे चार्जिंग मिलता है। यहाँ पे ये जो हमने केबल इसके साथ मिला है, ये जो केबल मिला है ये यहाँ पे हम इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे। ऊपर ऑन ऑफ के लिए बटन है, और यहाँ पे DB, जिसके आप यहाँ पे देख सकते हो DB का बटन है और लिंक का बटन है। तो जब आप इसको और इसको लिंक करते हो तब ये, अगर आपको लिंक करना है तो इसको दबा के रखोगे तो वो लिंक के लिए रेडी हो जाता है और आप इसको इसको लिंक कर सकते हो। और ये DB है, इसमें 3 डेसिबल सेटिंग्स आता है, 0, -12 और -24। तो सबसे लोवेस्ट में आप रखोगे तो वो -24 होता है। तो मैं आपको इसको ओपन ऑन करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली आप इसको दोनों को ऑन करोगे एक साथ, तो जब इसमें दोनों साइन दिख रहा है इट मीन्स ये दोनों रिकॉर्डिंग, दोनों पेयरिंग हो गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है TX मतलब ट्रांसमीटर और ये रिसीवर। तो इसमें आप देख सकते हो इसकी लाइट डिम हो गई है, क्योंकि इसमें एक सेटिंग आती है, जैसे आप ये ऑन ऑफ का बटन है रिसीवर का, आप इसको थोड़ी देर के लिए दबा के रखोगे तो देखो ये आपको डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। और अगर आप इसमें जो दिख रहे हो सन की साइन, ये अभी है कि देखो लो सन की साइन है। अभी मैं इसको थोड़ी देर दबा के रखता हूँ, अभी देखो सन का जो अंदर का स्पॉट था वो डार्क हो गया, तो अभी इसका डिस्प्ले ऑलवेज ऑन रहेगा। बट क्योंकि इसका अगर आप ऐसे ही रखोगे तो इसकी बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, इसके लिए आप इसको बैटरी सेव करने के लिए आप इसको थोड़ी देर दबा के ऐसा कर सकते हो। देखो अभी अंदर का जो सर्कल है वो खाली हो गया है, तो इट मीन्स अभी देखो थोड़ी देर के बाद इसका डिस्प्ले डिम हो जाएगा। देखो डिम हो गया, अभी भी देखो अब चालू है, अभी दिख नहीं रहा होगा इतना डिम है, बट अंदर देख सकते हो स्लाइटली चालू है। तो ये था कुछ अंदर का कंटेंट। तो मैं इसमें अभी आपको एक विंड मफ भी लगा के दिखा देता हूँ कैसे लगता है। तो देखो ऐसा कुछ रहता है जो आप इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, और जब आपको ज़्यादा हवा चल रहा होगा विंडी एरिया में आप इसको ऐसे लगा के बात कर सकते हो। तो ये था रोड का अनबॉक्सिंग वीडियो, दैट्स इट, थैंक यू। तो जैसे कि आपने मेरा अभी अनबॉक्सिंग वीडियो देखा तो उसमें आपने देखा होगा कि जो बॉक्स था वो ऑलरेडी ओपन था, तो उसी को बोलते हैं ओपन बॉक्स। तो जैसे कि जब भी कोई प्रोडक्ट आता है लॉट में आता है तो कुछ बॉक्स डैमेज हो जाते हैं, तो उसको या फिर कभी कभी बाई चांस वो ओपन हो जाते हैं, तो वो कोई प्रोडक्ट कोई ख़रीदता नहीं है, तो इसके लिए ये लोग इसको ओपन बॉक्स सेल में कम प्राइस में बेचते हैं। बट इसका आपको वारंटी जो भी है वो कंपनी की तरफ से जो आप डेट पे परचेस करोगे वही डेट पे आपको मिलेगा। तो ये हो गया ओपन बॉक्स सेल रिलेटेड जो था टॉपिक। और अभी आपको मैं ये माइक के रिलेटेड बताऊँगा। तो अभी आप देख सकते हो मैं माइक के कितना नज़दीक हूँ, तो अभी मैं माइक से थोड़ा दूर जाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसको GoPro में जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका रेड वायर जो आपने अनबॉक्सिंग वीडियो में देखा होगा वो उससे मैंने डायरेक्टली अटैच किया है, तो बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ पे। तो मैं आपको चाहिए तो आपको मैं इसका दिखा देता हूँ, एक मिनट। हाँ तो जैसे कि आप देख सकते हो कितना कॉम्पैक्ट साइज़ है, देखो तो ये कितना हैंडी हो जाता है। तो जैसे कि आप कोई भी अगर देखेगा तो उसको लगेगा एक नॉर्मल कैमरा है, तो अगर चाहिए तो आप इसके जगह GoPro के जगह आप अपना नॉर्मल मोबाइल भी लगा सकते हो। तो मोबाइल लगाएंगे तो जैसे नॉर्मल सेल्फी स्टिक से फ़ोटो खींचते हैं तो उतना कोई ध्यान देता नहीं है, तो वैसे ही सबको लगेगा कि एक सेल्फी स्टिक से मोबाइल खींच रहे
और उसके ऊपर आप ये मोबाइल माउंट का एक मोबाइल माउंट आता है उलांजी का एक मोबाइल माउंट आता है, उस पर आप उसके ऊपर कोल्ड शू माउंट भी रहता है, उस पर आप ये अटैच कर सकते हो और एक नया SC7 वायर लगा के आप इसको मोबाइल पे भी माउंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा एक सेटअप। तो जैसे कि देख सकते हो, जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ वो ग्रीन सिग्नल है, वो हिल रहा है। हेलो हेलो हेलो। और ये जो है, ये जो दिख रहा है आपको, ये बेसिकली डेसिबल है, तो इसको मैंने एकदम लोवेस्ट पे रखा है ताकि ये मेरा ही वॉइस कैप्चर करे। और यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी RX और TX, ट्रांसमीटर और रिसीवर, ये दोनों का जो है बैटरी फुल है फिलहाल, चार्जिंग की ज़रूरत नहीं, 7 आवर का बैटरी बैकअप है। तभी फ़िलहाल इसको हम डिस्टेंस पे जाके टेस्ट करते हैं। इसका जो डिस्टेंस है अराउंड 70 मीटर, 70 मीटर दूर जाके भी हम इसको, इसका वॉइस आपको क्लियरली इस पे आएगा। तभी फ़िलहाल मैं दूर जाता हूँ, वो आप देख रहे हो उतना गार्डन में तो उतना दूर तो नहीं जा पाऊँगा, बट फिलहाल जो टेरेस है ये टेरेस में ही आपको मैं दिखा दूँगा, तो आप देख के मुझे बता देना। अभी मैं फ़िलहाल GoPro से दूर जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो अभी मैं GoPro से दूर हूँ, काला दिख रहा होगा या छोटा दिख रहा होगा वो तो कॉमन है, बट आप देख सकते हो मेरा इसका आवाज़ है वो बहुत आ रहा होगा आपको, क्रिस्प क्लियर आ रहा होगा। देखो माइक पे मैंने टैप भी कर रहा हूँ, तो आप बताना आवाज़ आ रहा है क्या। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्ट 1 2 3। तो अभी फ़िलहाल मेरा टेरेस तो इतना ही बड़ा है, इतना भी है बट ये दूर है, तो आपने क्वालिटी तो टेस्ट कर लिया होगा। अभी अंधेरा आ रहा होगा, मैं ज़रा उजाले में जाता हूँ, तभी तो आपको मैं काला दिख रहा होगा, पर मैं हूँ काला नहीं, मैं गोरा हूँ। ये GoPro की खासियत है, गोरे को काला कर देता है, काले को गोरा नहीं कर पाता। तो ये था मेरा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये इसको मैंने एकदम लोएस्ट डेसिबल पे मैंने इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सिचुएशन वाइज आप इसका जो डेसीमीटर है, जो आप इसका ट्रांसमीटर में होता है, उसको आप बढ़ा सकते हो। और इसके साथ एक विंड मफ भी आता है, विंड मफ बताना, जेब में था ना? हाँ, तो इसके ऊपर एक विंड मफ लगता है। तभी फ़िलहाल टेरेस में तो इतनी हवा नहीं आ रही है, बट जब आप बीच साइड पर जाते हो, जैसे कि आप कभी बीच में गए हो, तो वहाँ पे बहुत हाई टाइड चलता है, लो टाइड चलता है, वहाँ पे बहुत हवा आती है, तो वहाँ पे आप इसको लगा सकते हो। तो मैं अभी इसको अटैच करके दिखाता हूँ, तो मैं इसको अटैच करूँगा, फिर उसके बाद आप वॉइस क्वालिटी का डिफरेंस देखना। इसके बिना अभी जो आप सुन रहे थे ये इसके बिना था, ये अभी इसको लगा के आप वॉइस डिफरेंस चेक कर सकते हो। हाँ, तो अभी मैंने इसको अटैच कर दिया है, तो अभी आपको थोड़ा वॉइस कम आ रहा होगा, ये क्या है, कैसे आ रहा होगा, मैंने इसके बिना तो नहीं टेस्ट किया, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी आ रही है। मैं इसको अभी एडिटिंग करूँगा तभी मुझे पता चलेगा। ठीक है, तो मैं अभी इसको निकाल देता हूँ, फ़िलहाल तो इसके बिना ही क्लियर आ रही है। तो आप देख सकते हो इसके पीछे ऐसे ये माउथ रहता है, इसका 2 टीथ है, इसमें होल है, तो इसमें फिक्स हो जाता है। फ्रेंड्स, ये था मेरा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो कि मैंने बनाया था एक कॉम्पैक्ट कैमरा विद कॉम्पैक्ट माइक के साथ, जो कि आप कहीं पे भी लेके घूम सकते हो। GoPro की क्वालिटी तो उतनी खास है नहीं, बट फिर भी आप डे टाइम पे व्लॉगिंग कर सकते हो बिंदास। और इसमें जैसे कि मैंने बताया, आप ये माइक को आप मोबाइल पर भी लगा सकते हो, अगर आपका मोबाइल अच्छी क्वालिटी का है, लो लाइट पर भी अच्छी क्लैरिटी देता है, तो आप अपने इसको माइक को अपने मोबाइल पर भी लगा सकते हो, तो वो आपकी विश है। अभी मैं फ़िलहाल इसको डे टाइम पे तो क्या है यार, मेरा GoPro पे लगाऊंगा, ये मेरा GoPro 7 है, तो GoPro 7 या फिर मेरे पास जो Samsung Galaxy S8 है उस पर लगा के मैं टेस्ट करूंगा। फ़िलहाल तो उस पर टेस्ट नहीं किया, तो वो मैं देखूंगा। अगर आपको चाहिए तो ये लिमिटेड ऑफ़र है, आप जाके ये माइक को ले सकते हो। इसमें मैंने कोई और माइक टेस्ट नहीं किया, मुझे कॉम्पैक्ट चाहिए था, तो इसको मैंने ये ऑफ़र के लिए वेट करा था। मेरा मोटिव था यही माइक लेना, इसके लिए मैं इसके लिए रुका था, क्योंकि मुझे इसका ऑफ़र बेस्ट डील में मिला, तो इसलिए मैंने ग्रैब कर लिया। अगर आप भी इस माइक का वेट कर रहे हो, और अगर आपको ये पसंद आया मेरा वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आपको लग रहा है कि आप भी ये माइक लेके आप व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो, वैसे तो कॉस्टली है, MRP ऑफ़र पर बहुत डिस्काउंटेड रेट पर मिल रहा है, मैक्सिमम हाफ प्राइस पर मिल रहा है, अगर आपके पास पैसा है तो आप ले सकते हो एज योर विश, क्योंकि वायरलेस क्वालिटी ये टॉप नॉच पे है,
जो रोड की क्वालिटी वो आप सबकी सभी को पता है कि उसकी क्वालिटी कैसी आती है, वॉइस क्वालिटी और कंपनी का ब्रांड का नेम कितना अच्छा है, तो आप इसको ले सकते हो। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद लगा या आपको मेरा इस माइक रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल vikas_manral यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, DM कर सकते हो। अगर आपको ये माइक लेना है तो ये वेबसाइट का जो वेबसाइट से मैंने ऑर्डर किया है वही वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके इसको परचेस कर सकते हो। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल में आप अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप उसका बेल बटन ज़रूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अरे भाई 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 मेरा कैमरा भाई।